अस्सलाम वालेकुम, K21 न्यूज के साथ मैं हूं करत रैनबर्ग और मैं हूं मुताहिर जलील खान। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइन। चीनी सट्टा माफिया और JW केस में बड़ी पेशरफ। जहांगीर तरीन फैमिली के 36 बैंक अकाउंट मुंजमद। अली तरीन से FIA ऑफिस में पूछताछ। मेकर सियासी रहनुमा के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से रातों में तेजी। चीनी को शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को वो देख रहे हैं। मैं एज ए मिनिस्टर आज इनसे ब्रीफिंग ली है। इन्होंने 10 लोगों को गिरफ्तार किया शुगर में। 31 शुगर मिलों को इन्होंने नोटिस दिए हैं और 57 अकाउंट इन्होंने सीज किए हैं, जिनमें 19 बेनामी अकाउंट भी शामिल हैं। चीनी स्कैंडल में 31 मिल्स को नोटिस की तस्दीक। 57 अकाउंट मुंजमद। वजीर दाखिला ने तफसील बता दी। इमरान खान के 5 साल पूरे करने की पेशगोई। नवाज शरीफ वापसी का ऐलान करें, सफरी दस्तावेजात जारी कर देंगे। शेख रशीद की कराची में गुफ्तगु। नून लीग को वाज़े पैगाम। नून लीग अपने लिए खुद ही बुरान इकट्ठे कर रही है। जो कुछ उसने अजीम अफवाज के बारे में जबान इस्तेमाल की, उसकी उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में ये वाहिद नून लीग ऐसी पार्टी है जो फौजी गमलों से जवान हुई। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का। मुल्क के लिए फैसले का वक्त। मुजामत करने वाले सियासी माफियाज को कानून के दावे करने की कोशिश। कोई खुद को बालतर ना समझे। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में नया पाकिस्तान हम मंसूबे की तकरीब से खिताब। रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया। पूरी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कमर्शियल कर दी गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क। शादी हॉल एसोसिएशन के वकील अनवर मंसूर खान को तहरीरी दलाल जमा कराने का हुक्म। ग्रेड 16 से जायद की कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की कमीशन इम्तिहान के बगैर रेगुलराइजेशन गैर कानूनी। सिंध हाई कोर्ट ने फहरिस्त तलब कर ली। मुस्तकली खत्म करने का हुक्म। कराची में लूटमार के वाकयात बढ़ गए। कोरंगी के अल्लावाला टाउन में बेकरी का सफाया। 3 डाकू हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीनकर 911। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बावजूद मुलजमान को तलाश करने में नाकाम। तेज रफ्तारी से एक और घर का चिराग घर। कोर्ट कासिम मोटरवे पर डंपर की कार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाबाग, दूसरा जख्मी। मुलजिम ड्राइवर फरार। सोल्जर बाजार में मकान के अंदर एसी का इनर फट गया। धमाके से खातून और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। साने 9 अप्रैल की याद ने बुगला को सोगवार कर दिया। ताहिर प्लाजा पर हमले में जाबहक अफराद के वर्सा। इंसाफ के मुंतजर बुगला की स्याह पट्टियां बांधकर सिटी कोर्ट आमद। पुराना बवाल। मलीर के जिना स्क्वाड से कचरा उठे। 12 माह हो गए। मस्जिद में बदबू। सड़क से गुजरना महार। अवाम की हुकूमत पर तनकीद। मस्जिदों के अंदर इतनी बदबू आती है कि बंदा नमाज पढ़ने के अंदर यानी कि शर्म आती है इन हुक्मरानों के ऊपर। ये गरीब अवाम सिर्फ हालत में जिंदगी बसर कर रही है। आइए कूड़ा खाना देखिएगा। अरे हमारे हुकूमत सब अंधे बने बैठे।
गैस चाहिए, गैस चाहिए, चोरों को डाकुओं को अपना पेट भरना है, गरीब आवाम से तुम जबरदस्ती गैस ले रहे हो। NA75 डस्का का जिमनी इलेक्शन कल होगा, पोलिंग के लिए फुल प्रूफ इंतजाम, 4000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, 80 पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। कोरोना तेजी से फैलने लगा, मजीद 105 मरीज जाबहाग, 5312 अफराद मुतासर, सिंध में मरीजों की तादाद 2,67,970 हो गई। दरा आदम खेल में इज्तिमाई कबर से 16 लाशों की बाकियात मिलने पर खौफ हिरास, शनाख्त के लिए कोशिशें। बरतानवी मलका के शौहर शहजादा फिलिप का 99 बरस की उम्र में इंतकाल, कुछ अरसे से बीमार और अस्पताल में जेर इलाज थे, वजीर आजम इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। एक बात कहूँ, तुम कभी खुद को आईने में मत देखना। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें चाहे। बड़े भीड़ है भाई, तू आशिक की ढीठों का ही काम है। जसवीर फवाद आलम की शानदार अदाकारी, वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर आते ही छा गया।